हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनैना है। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि हम अपने छोटे बच्चों को ब्रश करना कैसे सिखाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एक पेरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होता है कि भैया कौन सी उम्र है जब हम बच्चों को ब्रश करना स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बच्चों के दांत आ जाते हैं, वो एक स्टेज शुरू हो जाता है कि अब बच्चों को ब्रश करना शुरू करना है। इसके लिए बहुत से कलरफुल ब्रशेस मार्केट में मिल जाते हैं। जैसे एक मेरे पास ये स्पाइडरमैन का ब्रश है। ऐसे ब्रशेस आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे ब्रशेस होते हैं। ये देखिए, कलरफुल होते हैं। और दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रश है। इसी के साथ इनके जो ये ब्रश दबाने से अपने आप वो बच्चों के दांत क्लीन कर देता है। ये देखिए, इसको जस्ट आप कर दीजिए, ये अपने आप बच्चों छोटे बच्चों को, आपको ज़रूरी नहीं है कि जब उन्हें आप ब्रश करवाते तो पेस्ट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जस्ट ऐसे ही बच्चों को हल्का सा गर्म पानी में धो लीजिए ब्रश को, और बच्चों को ऐसे ही बोलिए कि अपने मुंह में रखिए और बटन ऑन करेंगे तो वो अपने आप ही हल्का हल्का क्लीन होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा जो स्पेशल टूथपेस्ट आते हैं, पतंजलि का भी आता है, और भी बच्चों के काफ़ी टूथपेस्ट आते हैं, वो बच्चों को आप दीजिए। कई बार कलरफुल टूथपेस्ट होते हैं, उनको भी कलर्स को देख के भी बच्चे ब्रश करना शुरू कर देते हैं। और तीसरी बात, जब भी बच्चे ब्रश करें आप उनके साथ ब्रश करिए, प्रैक्टिस कीजिए उनके साथ। आपने चाहे सुबह ब्रश कर लिया, फिर भी जब आपके साथ बच्चे ब्रश कर रहे हैं तो एक ब्रश आप पकड़िए, उसे पूरा बताइए कि कैसे फ्रंट टीथ को क्लीन करना है, पीछे वाले टीथ को क्लीन करना है, और सब बताइए। और धीरे धीरे बच्चों को आदत पड़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है, जब स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको कहा कि आपको पेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली एक ब्रश आप धो के बच्चे को दे सकते हैं, और इसलिए आपको थोड़ा सा आप उस टाइम भी अपने पास एक ब्रश बच्चे को दीजिए और एक ब्रश अपने लिए यूज़ करिए। और जिस तरह अपने दांतों को साफ करेंगे, बच्चा आपको कॉपी करने की कोशिश करेगा, और उसे कुल्ला करना सिखाइए। जिससे क्या होता है कि इसके साथ साथ बच्चे के धीरे धीरे वो बैक्टीरिया और जो जर्म्स हैं उसको वो फ्लैश आउट करना, जा उसको साफ करना, अपने मुंह को दांतों को साफ करना सीखता है। और इसके साथ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करिए कि सबसे अच्छी क्वालिटी का पेस्ट आप यूज़ कीजिए, और पेस्ट की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, बिल्कुल माइनर क्वांटिटी यूज़ करने की आदत बच्चों को डालिए। और जैसे जैसे बच्चों को ये आदत डेवलप हो जाती है, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों सुबह के साथ साथ रात को भी ब्रश करके सोएं। ये अगर स्टार्टिंग में हम आदत डाल देते हैं बच्चों को कि रात को ब्रश करके सोना है, तो आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा, जो बच्चों की जो दांतों की प्रॉब्लम्स होती है वो भी दूर हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।